कोलंबो में फंस गया मैं। बारिश ने किया कोलंबो में कबाड़ा। आसमानी आफत ने किया फैंस का मजाक किरकिरा। कोलंबो में रोहित वर्सेस बाबर एंड बारिश। कैंडी में मैच धुलने के बाद क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि कोलंबो में भारत पाकिस्तान मैच का पूरा लुत्फ उठाया जाएगा, लेकिन बारिश के तांडव ने सब कुछ किरकिरा कर दिया। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बाबर के इस फैसले का रोहित गिल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 121 रनों की साझेदारी निभा डाली। एक तरफ रोहित गिल रन बना रहे थे तो दूसरी तरफ बाबर आजम घबरा रहे थे। रोहित गिल पूरी तरह से पाकिस्तानी गेंदबाजी पर हावी थे, लेकिन शादाब खान ने इस जोड़ी को तोड़कर पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई। रोहित 49 गेंद पर 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद गिल को शाहीन ने आगा सलमान के हाथों कैच कराकर दूसरी कामयाबी हासिल की। गिल ने 10 चौकों की मदद से 58 रन की पारी खेली। विकेट गिरने के बाद मैच का रोमांच तूफानी हो गया। विराट और केएल राहुल क्रीज पर आए। क्रिकेट फैंस को अपने चहेते विराट से शतक की उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर बारिश ने पानी फेर दिया। कोलंबो में सबको मालूम था कि बारिश होगी, लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि बारिश मैच का मजा किरकिरा कर देगी। जिस वक्त बारिश हुई उस दौरान टीम इंडिया 24.1 ओवर का गेम खेल चुकी थी। इस दौरान भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट खोकर 147 रन बना लिए थे। अब इंतजार हो रहा था बारिश बंद होने का। मैदान को सुखाने के लिए ग्राउंड स्टाफ ने पूरा जोर लगा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, पिच को सुखाने के लिए पंखों तक का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन कोई तकनीक कोलंबो में काम नहीं आई। पिच के अलावा आउटफील्ड भी बुरी तरह भीग चुकी थी। अंपायर ने 3 बार जाकर मैदान का मुआयना किया और दोनों टीमों के कप्तानों से बात की। आखिर में फैसला रिजर्व डे पर मैच कराने का निकला। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला 24.1 ओवर से शुरू होगा, क्योंकि कल इसी ओवर के दौरान बारिश ने खलल डाली थी। कोलंबो के मौसम की अगर बात करें तो आज भी बारिश मैच में विलेन का किरदार निभा सकती है। अगर आज बारिश ने परेशान किया तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा।